वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी गाइज? हम सभी बहुत अच्छे हैं। एंड गाइज, अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले नहा के आई थी, उसके बाद आज गाइज पापा ऑफ पे थे। पापा ने आज सुबह से भाई पूछो मत क्या 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 इधर का उधर सारा सामान पता नहीं मम्मी के साथ लग लग के किया है। एंड मेरा गाइज, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है गाइज, मैं क्या ही कर सकती हूँ। पर छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, ब्लॉग में बढ़ते हैं आगे। एंड गाइज, आज हमें जाना था कहीं पर, मीन्स दीदी भैया है, दीदी अब जब दीदी बोल देते हैं तो साथ में जीजू लगाना पड़ता है, भैया फिर वो दूसरा हो जाता है। तो मींस उनकी एनिवर्सरी है आज, और किन की है वो मैं आपको बताऊंगी अभी डिटेल्ड में। मींस आप लोगों ने देखे होंगे मेरे काफ़ी सारे शूट्स होते रहते हैं शौकीन भैया के साथ एंड ज्योति दीदी के साथ। तो मींस जो मेरा पंजाबी ब्राइड लुक था, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, तो उन्हीं दीदी भैया की एनिवर्सरी है आज, वो भी 10वीं, तो उसी का सेलिब्रेशन है। तो हम जाएंगे वहाँ पर, और प्रेरणा, मैं, पुनीत, जीजू सब लोग जा रहे हैं। हाथ दुख गया गाइस, एक मिनट। सो गाइस, हमें जाना है वहीं पे, तो उसी के लिए नहा के हम रेडी हो गए। इनफैक्ट गाइस, मेरे पास कोई आउटफिट ही नहीं है अच्छा, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था पहनने के लिए कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। इतनी सारी कंफ्यूजन के बाद भी फिर मैंने एक सूअर थीम भी खरीदी। इतनी देर से लगा पड़ा है साफ करने में, बाद में पता चला फटा हुआ गाइज। और वहाँ का थीम आज ट्रेडिशनल है, बिकॉज पहले वहाँ पे कीर्तन है, उसके बाद सेलिब्रेशन है। सो थीम वहाँ का ट्रेडिशनल है, और मुझे कुछ समझ आया तो मेरे पास एक दो आउटफिट्स हैं, बट वो ट्रेडिशनल तो है, बट वो जो इंडो वेस्टर्न होता है ना, वो उस टाइप से, तो वो काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न भी लुक दे रहे हैं और ट्रेडिशनल वाले फॉर्म में है। मीन्स ड्रैप साड़ी हो गई या फिर वन पीस ड्रेस हो गए, जो कि है तो ट्रेडिशनल ही, बट वो काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं, तो वो मुझे अच्छे नहीं लगे। मैंने ट्राई किए थे, फिर मैंने सबको दिखाया तो एक सबको पसंद आया, बट वो मैंने किसी और फंक्शन के लिए रखा है जहाँ मुझे भी सून ही जाना है। तो मैंने अभी एक सूट निकाला है जो मेरा, मैंने पहले ही स्टिच करवाया था, बट मैंने एक ही बार पहना, उसके बाद कभी पहना ही नहीं। एंड दीदी भैया का लिए मैंने एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट बनवाया था, जो अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। एंड गिफ्ट देख के तो आप पहचान ही जाओगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। बाकी मैंने अभी आपको बताया था हैप्पी 10th एनिवर्सरी, एंड इसे देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने फ्रेम बनवाया है। सो गाइस, ये है फ्रेम, ये रहा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मुझे भी और पुनीत को भी। एंड ये फोटोज़ हैं जो कुछ तो मैंने भैया से ही मांगी थी, और कुछ हैं जो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट से चुराई हैं, बिकॉज आजकल तो गाइस सब लोग सोशल मीडिया पर हैं, तो किसी की भी पिक्चर्स लेनी हो तो मिल ही जाती हैं इसीलिए। तो आज है दीदी और भैया की एनिवर्सरी, तो उसी के लिए उनका सेलिब्रेशन है, वहीं हम ज्वाइन होने वाले हैं उनके साथ। तो मैंने ये बहुत ही प्यारा सा फ्रेम उन लोगों के लिए बनवाया था, दोनों को गिफ्ट करने के लिए। एंड मैं दीदी भैया की काफ़ी प्यारी प्यारी सी फोटोज़ हैं, ये उनकी लास्ट अभी मनाली टूर की है जो वो लोग गए थे, तो भैया ने मुझे भेजी थी ये वाली, ये वाली, ये वाली एंड ये वाली, एंड बाकी 1, 2, 3, 4 ये मैंने खुद चुराई हैं गाइज। सो आप लोगों को ये प्यारा सा गिफ्ट कैसा लगा आप लोग भी बताना, बट अभी मुझे इसे पैक करवाना है, मैं इसे पैक करवा लूँ, देन प्रेरणा के घर जाऊँगी रेडी होने के लिए, फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे और आप लोगों से मिलूँगी। बाय। प्रेरणा के घर पे पुनीत मुझे छोड़ के गया था, एंड पुनीत खुद जा रहा है अपना रेडी होने के लिए। एंड यहाँ पे फिर से आपको दिख रहे होंगे कोमल दीदी और आरुषि दीदी। गाइज, अब आप लोग ये मत सोचना गाइज, आप बोलने लग जाओ कि अब कहीं भी जाना होता है आप लोग इनको क्यों परेशान करते हो। गाइज, अब इन्होंने ना हमारे नियर ही बहुत घर ले लिया है। गाइज, इन्होंने बहुत नियर ही घर ले लिया, मीन्स ये लोग, हम लोग गाइज, ये लोग बुराड़ी शिफ्ट हो गए हैं, तो बहुत नियर पड़ता है, दीदी को देखते रहते हैं, इसलिए ना फिर और यहाँ पे मीन्स मैंने तो अपने कपड़े भी पहने नहीं, और ये सारे लोग हो चुके हैं रेडी। प्रेरणा ने भी अपना ब्लाउज पहन लिया, मेरे पास तो कपड़े ही है गाइज, मैं तो गली में सुनते रहते हैं दीदी कहाँ जाएंगे, चलो होते हैं रेडी, फिर मिलेगी गाइज आप लोगों से। बाय। ठीक है भाई, तो गाइज गुन्नू दीदी का ऑपरेशन हो रहा है। तुम्हारे हाथ तीखे हो रहे हैं दोनों बहनों के, अभी ऑर्डर किया है मैकडी, ओ सॉरी गाइस, मैकडी से मींस बर्गर और फ्राइज वगैरह
क्योंकि गाइस हमेशा ना यार ये भूखे रह जाते हैं क्योंकि हम फिर सीधा रेडी होके निकल जाते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने इसने मंगवाया है। और मैंने तो गाइस बहुत नॉर्मल सा सूट ही पहना है क्योंकि उनके घर में जाना था और घर में भी कीर्तन तो है, मुझे ताना की सेलिब्रेशन है। पर गाइस प्रेरणा तो प्रेरणा लहंगा पहन रही है गाइस, नॉर्मल सा गाउन ड्रेस है, गाउन ड्रेस है, जो भी है गाइस। पर अभी ये हम लोग खा भी ले उसके बाद चलो रेडी होंगे। मैं क्यों दूं पैसे, मैं तो नहीं दूंगी। चलो गाइस और बाकी उसके बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैंने क्या पहना है। ओके बाय। हो चुके हैं रेडी एंड जो मेरा हेयर स्टाइल है गाइस ये मींस उस दिन दीपक भैया के भाई के एंगेजमेंट में गए थे उस दिन वाला सेम ही है बिकॉज मुझे काफी काफी ज्यादा अच्छा लगा था तो मैंने वही वाला हेयर स्टाइल रख पाया है सेम जस्ट। बस नेक्स्ट जो मैं फंक्शन पे करवाऊंगी उसमें मैं कर्ल्स करवाऊंगी बट ये हेयर स्टाइल मुझे मेरे ऊपर बहुत क्यूट लगता है तो मैं बार बार यही बनवा लेती हूँ। मीन्स अभी सेकंड टाइम ही बनवाया, अब आपको रिपीट रिपीट पे दिखता रहेगा। बाकी आरुषि दीदी ने बहुत ही प्यारा सा नो मेकअप लुक दिया है, मीन्स बिल्कुल मीन्स बहुत प्यारा मेकअप किया है, बहुत लाइट सा, बहुत अच्छा। एंड आउटफिट मेरा कुछ ये है जो मैंने एक बार मेरा एक फ्रेंड है उसके बर्थडे के लिए स्टिच करवाया था, अरे बिकॉज वहाँ पे तब जागरण कीर्तन था सो मैंने वहाँ के लिए करवाया था, फिर मुझे ये उसके बाद से रखा हुआ था तो मैंने आज वेयर किया है ये वाला और मैंने तब स्टिच करवाया था। और अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी, बस अभी निकल रहे हैं गाइस। और मैंने ना ये इतना हैवी ड्रेस इसलिए पहना है, कमेंट मत करना क्योंकि इसकी एनिवर्सरी है गाइस, नहीं इसने पहना क्योंकि मुझे ना जिनकी है उनकी लगने भी देगी गाइस ये, क्योंकि मुझे इसका कोलैब करना था इसलिए मैंने पहन लिया। ओके सो गाइस फाइनली हम हो गए रेडी, ये देखिए गाइस ये देखो और बाकी वैसे पूरा लुक दिखाना है। और मैंने ये लेवेंडर कलर बताया, ये गाउन आप लोग कमेंट करेंगे कि दीदी इतना हैवी लहंगा तो जीजू खड़े हैं बशु मेरा ये बैग का है नीचे भिजवा दूं। हां यही उम्मीद थी मुझे तुझसे बिल्ली सी। बाकी चलो गाइस चलते हैं, मुझे घर जाके इयररिंग्स डालने हैं वो डालते हैं फिर मिलेंगे आप लोगों से। बाय। चुके हैं लोकेशन पे, ये रहा दीदी का घर और यहाँ पे हम लोग उठा रहे हैं अपने गिफ्ट्स और फिर चल रहे हैं फटाफट से। और प्रेरणा ने नाम पुलिस उठा लेना, नाम लिखेगी गाइस प्रेरणा लेके आई है खाटू श्याम बाबा जी की मूर्ति कह रही हूँ सॉरी गाइस पेंटिंग निकाल लो ना, वो भी तो निकालना ही है। टू मेंटल ये दिन में पकड़ेंगे अब अच्छे तरीके से। हेलो बहुत बढ़िया मुझे कह रही है फोटो तो लेनी है गाइस। दीदी यार तुम गाने बंद करवाओ यार, हमारे व्लॉग नहीं बन रहे यार, कॉपीराइट। हाँ इतनी बार बता दिया फिर भूल जाते हो बार बार। जाओ भैया जाओ गाइस। बाकी भैया ने मुझे बताया था कि हम चोन चेंज करवा रहे थे लोकेशन और दीदी मेरे पास आई थी, आज तो पुनीत आया, आज तो मुझे मिलवा दे यार पुनीत। आपने लिखवाया ना नहीं, प्राउड वाइफ ऑफ देवा, अच्छा आपका नाम देवा है, मैं पूरे ब्लॉग में मशहूर कर दिया आपको शौकीन भैया, शौकीन भैया। दीदी है, दीदी मुझे कह रही आज पुनीत आया, आज तो इससे मिलवा दो पुनीत, ये ज्योति दीदी इनकी एनिवर्सरी है। और अच्छा पिछली बार कब, तब हम दोनों की लड़ाई हो रखी थी, मैंने पूछा ही नहीं तब सच थोड़ी बताती, तब तो और गुस्सा होता, अब सच बता देती हूँ। तब भैया दीदी ने बोला था पर हम दोनों की लड़ाई थी तो मैं कैसे बोलती इसको। और बाकी चलो आज दीदी भाई की एनिवर्सरी, दोनों ही बड़े प्यारे से लग रहे हैं। भैया आपका लुक ये हमेशा ही रहता है, इनका यूनिक लग रहा है, ऐसी आउटफिट लाओ मेरे शूट के लिए नेक्स्ट टाइम। ये क्या लेके आए, आपकी लेके आए हो रेंट पे, खरीदी फिर एक दिन के लिए, क्या है यार पैसे कमा रही है ना। अच्छा तो आपको नहीं दिलाया इन्होंने, नहीं ऑल ओवर आपका लुक यही रहता है ना देख देख के, इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं। नहीं मैं अकाउंट पे देख रही थी, मैंने कहा सारा ऑल ओवर कुर्ता पजामा ही है। बाकी चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से।
नहीं जाओ उधर जाओ उधर जाओ जल्दी। मैंने गाइस इधर इधर मैंने गाइस इनके रिएक्शन पुनी किट्टू आई थी इसे पकड़ो क्या वीडियो बनानी है दीदी का पता नहीं गिफ्ट मिला है क्या ये अरे रहने देना अरे रुक जाओ एक छत फोटो हो जाएगी भाभी खुश हो रही हैं देख करके जल्दी जल्दी खोलो देखते हैं क्या इसमें हैप्पी बर्थडे नहीं है एनिवर्सरी है गलत बोल रहे हो आप लोग में फोटोज पसंद नहीं है वाली चलो फिर ठीक है और बाकी गाइस चलो मिलते हैं इसे रूम में लगा लेना बड़ा सा ठीक है बाकी चलो गाइस अब फोटोज क्लिक करवा ले फिर मिलते हैं गाइस और शूट के लिए वॉल तैयार हुई है देखें अगली वीडियोस आपको यहाँ मिलेंगी सॉरी गाइस जीजू इनसे अपनी फोटो भी खिंचवाई है जब शूट होते हैं तब भी ये यहीं होते हैं फोटोज खींचने के लिए और अभी भी इन्होंने बहुत प्यारी प्यारी फोटो खींची है देखो बहुत प्यारी प्यारी सी फोटोज खींची है बाकी जब ये मुझे भेजेंगे तब मैं आपको शेयर करूंगी शेयर करना आप टाइम से और यहाँ प्रेरणा का शूट चल रहा है ठीक है केक की कटिंग करते हैं अब हाँ भैया भैया हल्के में ले रही है आपको गोद में उठाओ आप जल्दी उठाओ अरे ऐसे कैसे ऐसे नहीं ढंग से तरीके से उठाओ चैलेंज कर रही हो क्या उठा रहे हो भाई अगले मेरी शादी की वरमाला लाए ना तुम चुरा के बता ना तेरी का तू भी थोड़ा क्या ना ना चलो भाई चलो चलो भाई क्या बात केक की कटिंग हो रही है दीदी को बहुत प्यारी सी डायमंड की रिंग गिफ्ट में चलो अब तुम कल गोवा चले जाना उम्मीद थी क्या बात भाई तुझे ये उम्मीद नहीं होगा
भैया कह रहे हैं अब दूसरा गिफ्ट भी चाहिए। हाँ अच्छा ये तो सिस्टम पार बोलो सिस्टम पार। अरे एक मिनट में रिएक्शन क्यों दिया, तेरे उम्मीद क्या लिया होगी? सिस्टम पार आइटम है फिर रिएक्शन तो देखते देता नजर ही नहीं अपन दिख गया क्या बात आइटम। अरे खोल लो कर लेगी काजू को मैं नहीं बताऊंगा बहुत प्यारे गिफ्ट चंद के दोनों के भाई चोट बोला भी नहीं है मैंने भी आप भी बोलोगे देखा कि अच्छा मैं भी अभी देख रही हूँ मुझे एमपी वाली हे तुम्हें गिफ्ट्स के आइडिया मिल गए दोनों की एनिवर्सरी आ रही है गिफ्ट्स के आइडिया मिल गए आपकी एनिवर्सरी आ रही है मैंने तो बर्थडे एनिवर्सरी का मिला के दिया था ये दो तोले की अभी देती दो तोले की बाद में देती तो एक हट्टी बनवा दी चलो ठीक है बैठे हैं यहाँ पे खाना पीना खाने के लिए और रात बहुत ज्यादा हो गई है अब तो ओए 11:30 हो गए ओए ये क्या किया और गाइस अब हम सारे लगे हैं आ जाओ दीदी हमारा चलो गाइस मिलते हैं आप लोगों से हूँ मैं बोले लगाया है खाना सब डाल के लाए हैं और सारे खा पी के बस घर के लिए निकलेंगे बिकॉज काफी ज्यादा लेट हो गया हम लोगों को। हम लोग ऊपर से नीचे आ गए थे बिकॉज हम लोग जा रहे थे घर और फिर ना दीदी ने अपना पूरा घर रेनोवेट करवाया था मींस तो हम नीचे आए थे दीदी का रूम देखने के लिए जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है देखो ये मींस सारा अभी न्यू बना है तो हम लोग आए थे देखने के लिए एंड अभी फिर बातों में लग गए मींस गाइज आप लोगों को सामने से इतना नहीं दिख रहा बट बहुत प्यारा मींस पूरा न्यू डिजाइन करवाया है और बहुत प्यारा लग रहा है गाइज देखो और बंद मत करना वरना बंद ही हो जाएगा। और गाइज ये वॉशरूम ये मीन सारा जीजू दुपट्टा और मिट्टू दीदी कितनी बन गई 4-5 बस करो और गाइज ये वॉशरूम है मैं बहुत प्यारा बनवाया है सब कुछ देखो और अब बस हम चल रहे चलो भाई चलो 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 गाइस चल रहे हैं घर नोना रो रही है यार खोल जल्दी क्या हुआ कितने माई बाहर जाना है ठंड हो रही है अंदर चल बाहर नहीं जाना नोना माची कहाँ गई माची आ गई ए जान ड्रामेबाज है ड्रामेबाज नहीं मेरा बच्चा मुझे सच में मिस करता है देख डायपर पहन के आ गया नोना सॉरी मैं आपसे नहीं जाऊंगी देख के जा रही हूँ 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 पीछे से छुप गई क्या देख के जा रही हूँ देख के गाड़ी तो लगी पड़ी है डायपर भी नहीं डायपर पहनो और ऐसी बुला पापा गाली बक दे गाली बक दे गाली गाली बक दे
गाली बक दे बोल 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 क्या हुआ पापा आ चुके हैं घर पे। जैसे कि अभी आपने लास्ट क्लिप में देखा ही होगा, नोना और प्रेरणा और जीजू पेट्रोल भरवाने जा रहे थे तो नोना उनके साथ चली गई क्योंकि नोना को चीज चाहिए थी, तो वो उसे 24/7 से दिलाते हुए जाएंगे एंड मीन्स लेके आएंगे वापस। मैंने अपना फटाफट से चेंज करके नाइट सूट वेयर कर लिया एंड फटाफट से गई लेंस लैशेज मेकअप सब कुछ रिमूव करा क्योंकि यार आजकल ना कंटिन्यू काफ़ी मेकअप हम लोग करवा रहे हैं ना। सो मीन्स फैब में इतने सारे फंक्शंस पड़ रहे हैं, क्या करें क्या नहीं, बट सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आज तो बहुत मज़ा आया दीदी भैया के घर पे, मीन्स इतना फ़न किया हम लोगों ने। सारी चीज़ें व्लॉग्स में ना मीन्स कैप्चर नहीं हो पाती बट हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया आज। एंड एक बार मैं मम्मी पापा से पूछना चाह रही थी बट मैं भूल गई, गाइस मेरी अलमीरा किसने छेड़ी है मुझे ये नहीं पता कि मीन्स इसमें इतने सारे कपड़े रखे थे ना, मीन्स आप लगा लो गाइस पूरे दो शेल्फ खाली हैं। मतलब मुझे ये लगा कि विंटर्स के जितने कपड़े थे ना गाइस सब इसमें से निकल गए हैं, अब किसने निकाल के बेड में रखे हैं एंड मैं उस टाइम पे कहा थी आई डोंट नो अबाउट दैट, बट जिसने भी करा वेल एंड गुड। एंड हम लोग आ गए घर, सबसे पहले मैंने सब कुछ रिमूव किया एंड हेयर्स बीन्स क्रिम्पिंग देखना गाइस कितनी ज़्यादा और कितनी प्यारी सी लग रही है, बट मैं अभी ऑयलिंग कर लूँगी रात को ही एंड सुबह हेड वॉश कर लूँगी क्योंकि मैंने आज ही हेड वॉश किया था। क्या फ़ायदा यार, मुझे पता होता तो मैं आज भी नहीं करती, फिर मैं डायरेक्ट इनको मीन्स मैं ऐसे ही रहने देती और फिर मैं डायरेक्ट धोती अपना बाद में। मैंने मीन्स 7 को जो फंक्शन था दीपक भैया के उधर एंगेजमेंट वहाँ के लिए मैंने हेयर स्टाइल बनवाया था उसमें भी लग गए थे, फिर आज मैंने हेड वॉश कर लिया एंड आज फिर हेयर स्टाइल बन गया। सो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, बट चले गाइस इस वाले व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड आपसे मिलेंगे कल एक न्यू व्लॉग के साथ और मैं आप लोगों से मिलूंगी कल एक बहुत ही मीन्स आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं एक टॉपिक को लेके, देन कल मैं आपको वही क्लियर करने वाली हूँ। सो आप लोग बने रहना एंड गेस भी करना कि वो चीज़ क्या हो सकती है एंड व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, सपोर्ट करा करो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को एंड मैं आपसे मिलूंगी कल न्यू व्लॉग के साथ। इस वाले वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, लव यू, टेक केयर।